विद्यार्थी मित्रों, संकल्प क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम 10th स्टैंडर्ड की हिंदी कविता, जिसका नाम है मन। फोर्थ नंबर की पोयम है ये, जिसका नाम है मन। तो देखो, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है विकास परिहार जी। विकास परिहार जी ने मन ये कविता लिखी है, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। विकास परिहार जी ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी है। फिर वो पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद किससे जुड़ गए? वो रेडियो से जुड़ गए हैं। तो साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण विकास परिहार जी नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। तो देखो आगे क्या कहते हैं, इस कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह कविता है हाइकू। कविता की विधि क्या है? हाइकू। अभी हाइकू क्या रहता है? तो ये हाइकू, ये जो शब्द है, तो इसकी विशेषता ये रहती है कि यह एक जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू की विशेषताएं लिखिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है हाइकू? हाइकू यह एक जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है, काव्य रचने का तरीका है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। और हाइकू क्या है? विश्व की, देखो हाइकू विश्व की, वर्ल्ड की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। कौन से दशक से? 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। अभी हाइकू कविता कैसी लिखी जाती है? तो हाइकू कविता में पहली पंक्तियों में 5 वर्ण रहते हैं, दूसरी पंक्तियों में 7 वर्ण रहते हैं, और तीसरी पंक्तियों में फिर 5 वर्ण रहते हैं। ऐसे तीनों पंक्तियों में टोटल मिला के 17 वर्ण रहते हैं। 17 वर्ण के ढांचे में यह कविता लिखी जाती है। आया समझ में? तो प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। अपने जीवन का जो अर्थ है, जो उनके जीवन में घटना घटी है, उनका सीमित छोटी छोटी शब्दों में क्या किया है उन्होंने, अर्थ यहाँ पे हमें बताने की कोशिश की है। चलो तो चलते हैं कविता के। और देखो, पहले मैं एक एक पंक्ति बोलती हूँ और उसका मीनिंग आपको बताती हूँ। तो घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा यहाँ पे 5 वर्ण है, चमकता प्रकाश यहाँ पे 7 वर्ण है, और अधिक यहाँ पे और क्या है? 5 वर्ण है। टोटल मिला के कितने वर्ण हो गए? 17 वर्ण। ऐसी है प्रत्येक स्टांजा, ऐसा है ये यहाँ पे देखो 17 वर्ण का। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। क्या कहते हैं कवि यहाँ पे? जब घना अंधेरा होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अंधेरे में दूर से भी हमें प्रकाश की छोटी सी किरण दिखाई देती है। कब दिखाई देती है? जब घना अंधेरा होता है। उसी तरह जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है, तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरण फूट पड़ती है। जब हम संकट रूपी जीवन हम क्या करते हैं, जीते हैं, हमें हमारे जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, हमें अभी क्या करना चाहिए ऐसा नहीं सोचता है, तभी क्या होता है, एकाएक वहाँ से हमें क्या होता है, प्रकाश की किरण दिखाई पड़ती है, नई रोशनी दिखाई पड़ती है, नया मार्ग मिलता है, ऐसा इसका मतलब होता है। आगे देखो, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इसका अर्थ होता है कि हमें भगवान ने जो देह दिया है, मानव रूपी जो जन्म दिया है हमें, तो इस जन्म में हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, गीता का क्या सार है? कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह होता है कि तू कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। वो किस पर छोड़? वो तू मुझ पर छोड़।
तू क्या करते जा, अच्छे कर्म करते जा। इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा है कि करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। आया समझ में? नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। देखो, जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने वाला नहीं आने वाला है। तो ये जो हमारी मझधार में डोलने वाली जीवन रूपी नैया है, उसे हमें स्वयं को ही क्या करना चाहिए, पार लगाने का प्रयास करना चाहिए। किसे क्या और हमें डिपेंड रहना चाहिए क्या? नहीं। इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा है कि जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। खुद को ही उसको संभाल कर आगे लेना चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं कवि। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन का महीना क्या करता है? फागुन का महीना जब आता है तब बसंत ऋतु होता है। सबको पता है बसंत ऋतु के बारे में, क्या क्या होता है बसंत ऋतु में। तो बसंत ऋतु में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, हर तरफ नई नई क्या पत्तियां झाड़ को आने लगती है, वहाँ उसमें रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। यह समय कैसा होता है? यह समय उल्लास और उमंग का होता है। इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे समय में हमारी जो जीवन की चिंताएं हैं, अनेक सारी परेशानियां हैं, उस परेशानियों को भूलकर, उस चिंताओं को भूलकर हमें बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। ऐसा कवि का यहाँ पे मानना है। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। कांटों के बीच खिल खिलाता फूल देता प्रेरणा। अभी कांटों के बीच खिल खिलाता फूल ऐसा बोलने के बाद हमारे सामने कौन सा फूल आता है? तो हमारे नज़र के सामने गुलाब का फूल आता है। देखो, यह जो गुलाब का फूल होता है वो कांटों के बीच में रहकर भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें यह प्रेरणा हर पल देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना चाहिए। परेशानियां तो सबके जीवन में आती है, हर एक के जीवन में रहती है, उसे हमें घबराना चाहिए क्या? नहीं। तो परेशानियों के बिना, परेशानियों से घबराए बिना हमें अपना काम करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आंजा देखो। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। अभी यह कुंठा का मतलब क्या होता है? दुख वेदना, जो हमारे भीतर दुख रहता है, वेदना रहती है, वो क्या होती है? नयन रूपी द्वार से क्या होती है? बाहर आती है। मतलब जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो ये मानना चाहिए कि मन की कुंठा यानी मन का दुख है वो क्या है? नयन रूपी द्वार से बाहर आया है। आया समझ में यहाँ तक? चलो नेक्स्ट आंजा देखते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। अभी यहाँ विषाद का मतलब क्या है? विषाद का मतलब है हमारे दुख। खारे जल से, अब ये खारे जल का मतलब क्या है? समुंदर है क्या? नहीं। तो हमारे जो नेत्र रहते हैं उनमें जो आंसू है, जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद जो है क्या है, वो धुल गया है। और हमारा जो मन है वो पहले समान पावन यानी स्वच्छ हो गया है। ऐसा यह कवि का मानना है। नेक्स्ट देखते हैं। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। अभी जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। हर एक मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, ये तो सबको पता है कि हर एक के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और हमारे मन को अप्रिय लगने वाले प्रसंग भी घटते रहते हैं। तो ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जिजीविषा का प्रमाण है, जीवन इच्छा। ऐसे में भी जीवन जीने की जो इच्छा है वो हमें क्या करती है? आगे बढ़ाने का क्या करती है? प्रयास करने की इच्छा प्रकट करती है।
आया समझ में? देखो, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। कवि का यह मानना है कि जब आकाश में काले काले मेघ जमा होते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे बादल आकाश में जमा होते हैं, तभी क्या होती है, वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है, हमारे मन की पीड़ा जब बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर क्या होती है, बादल बनकर आंसुओं के रूप से बरसने लगती है। जैसे बादल से वर्षा होती है, उसी तरह हमारे नयन रूपी बादल से क्या होती है, मन की पीड़ा आँखों से बरसती है। नेक्स्ट आंजा देखो, चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। देखो, रेल की पटरियां तो सभी ने देखी है, क्या है रे हो, एक साथ चलती है, कभी जुड़ती है क्या, नहीं, एक साथ चलती रहती है। रेल की पटरियां अनंत काल से एक साथ चल रही है, परंतु वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बात करती है क्या वो, नहीं। ऐसा इसका यहाँ पे मीनिंग बताया गया है। तो आगे के देखते हैं हम पंक्तियाँ। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। देखो कितना बड़ा इसका मतलब होता है कि क्या है रे, सितारे तो आकाश का क्या है, श्रृंगार है। आकाश में रात के समय अगर हमें सितारे नहीं दिखाई देते हैं तो हमें क्या लगता है, सुना सुना सा लगता है, और जब सितारे दिखाई पड़ते हैं तो अच्छा लगता है, उसको देखने का मन करता है। तो सितारे क्या है, तो सितारे आकाश का श्रृंगार है, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। सितारे के बिना आकाश सुना रहता है, हैं, सितारे रहते हैं तो आकाश की शोभा बढ़ती है। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिपे जाते हैं तो आकाश सुना हो जाता है। अगर घने घने बादल, काले घने बादल आकाश में छा जाते हैं तो सितारे हमें दिखाई पड़ते हैं क्या, नहीं, वो बादलों की ओट में मतलब बादलों में छिपे जाते हैं, तब आकाश क्या होता है, तब आकाश सुना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, हमारे जो भाई बहन माता पिता दादा दादी रिश्तेदार वगैरह जो होते हैं या मित्र होते हैं, वो क्या होते हैं रे, वो बहुत हमें महत्वपूर्ण रहते हैं हमारे जीवन में, अत्यंत महत्वपूर्ण उनका स्थान होता है। उनके चले जाने पर या विन्मुख हो जाने पर, उनके चले जाने पर या वो रुट जाने पर क्या होता है, मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। जैसे बादलों की ओट में सितारे छिप जाते हैं, उसी प्रकार वो हमारे जीवन में क्या होते हैं, छिप जाते हैं, हमारा जीवन सुना सुना सा हमें लगता है। आगे देखो क्या कहते हैं कवि, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। देखो गीत कौन लिखते हैं, गीत तो कवि लिखते हैं। कवि के अंदर अनोखा सामर्थ्य रहता है, जिधर भी देखो उनको कुछ ना कुछ सूझता ही रहता है। तो ये कौन लिखते हैं गीत, गीत लिखते हैं कवि। तो वह जिन गीतों को स्वर देते हैं वे अमर हो जाते हैं, गाने के रूप में, कविता के रूप में वो क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपने रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन लाता है, अपनी रचनाओं के द्वारा कवि क्या करता है, सामाजिक कार्य करता है और समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। आगे देखिए क्या कहते हैं कवि, लास्ट आंजा है ये, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इसका अर्थ क्या कहा है यहाँ पे कवि ने, कवि विकास परियार जी ये कहते हैं कि सागर में अतः जल राशि होती है, बहुत सारी जल राशि होती है सागर में, बहुत सारा पानी रहता है सागर में, परंतु वो हमें उपयोगी है क्या, नहीं। क्यों नहीं उपयोगी है, क्योंकि वह पानी क्या है, खारा है। वो जल कैसा है, सागर का पूरा खारा है, खारा होने के कारण अतः मतलब भरपूर होने पर भी वह जल राशि यानी वह सागर का पानी पीने के योग्य होता है क्या, खेती के योग्य होता है क्या, नहीं होता है। उसी प्रकार मछली क्या रहती है, सागर में प्यासी रहती है,
उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान हो, कोई समाज में रहने वाले बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो बहुत धनवान होते हैं, उनके पास बहुत सारी संपत्ति रहती है, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति ज़रूरतमंद लोगों को नहीं दी, उनके काम नहीं आए, वो किसी ज़रूरतमंद उनके पास गया और उन्होंने कुछ धन मांगा और उन्होंने नहीं दिया, तो उनकी संपत्ति कुछ काम की है क्या? नहीं। तो यही पे कहा है, ऐसा कहा गया है कि सागर में अतः जल राशि होती है, परंतु खारा होने के कारण अतः होने पर भी वह जल राशि पीने के योग्य नहीं होती। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा या धनवान क्यों ना हो, यदि वह किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है, मतलब उसका धनवान होना व्यर्थ है, उसका बड़ा होना व्यर्थ है। तो समाज में रहना है तो सबके क्या करना चाहिए, सबके हमें काम आना चाहिए। यही जीवन का सार, लेखक के जीवन में जो जो घटनाएं प्रतीत हुई है वो ये हाइकू के द्वारे उन्होंने हमें बताने की यहाँ पर कोशिश की है। देखो मित्र हो, यहाँ पे एग्ज़ाम में आपको इसके हर एक लाइन आती है, आठ दस पंक्ति आती है और उसका मीनिंग लिखने के लिए बोलते हैं, उसको चार मार्क पांच मार्क रहते हैं। तो अगर आपको ये कविता समझ में आती है तो आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं और वो मार्क्स हमारे मुट्ठी में रहते हैं। अभी ये हाइकू, हाइकू एक नया प्रकार है कविता का, नया मतलब वो तो पुराना है लेकिन हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता में 10वीं कक्षा में पहली बार आया है। तो ऐसा ये जो हाइकू है, यह है कवि का मन का पूरा जो लेखा जोखा, जो भी उनके मन में था वो उन्होंने हाइकू के द्वारा हमें बताने की कोशिश की है। आया समझ में? अगर आपको कुछ पूछना हो इसके बारे में तो आप हमें हमारे वेबसाइट को भेज दे सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।